and welcome back to my ट्रेल लगा हूँ मैं चैनल पे न्यू टू द चैनल है मैंने बस आशी को नाम नहीं लिया हैप्पी फिटिंग और सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो अभी जब से हम निकले हैं आज मैं गाइस ड्राइव कर रही हूँ दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी क्योंकि मैं सिर्फ पापा के साथ ड्राइव करती हूँ जब बाय बाय बट अभी मैं सिग्नल पे ट्राई किया था कि कर लूं अभी वापस भी नेट हो गई बाय बाय क्या यार मैं नहीं कर पाया फाइनली वी हैव रीच द मॉल एंड अब मैं संतुष्टि से हमने पार्क कर लिया और पार्क नहीं करी मतलब वैले के लिए खड़ी है तो अब मेरे बेल्ट उतार के सांस आ रही है मुझे और स्ट्रेस उतरा है मेरा मैं डे आउट विद मम्मी एंड घर का दूसरा बेटा विद घर की प्रिंसेस ये फन वीडियो कुछ बनाने आए एंड आज गाइस मैंने आई नो पहले बहुत कट हो गया 10 बार बट आज मैं यूजुअली जब दिल्ली आती हूँ मैं एक दो बार ही ड्राइव करती हूँ जितना हो पाता है बट आज मैंने पापा के बिना ड्राइव किया है क्योंकि यूजुअली पापा बहुत काम रहते हैं मेरे साथ एंड सब कुछ तब मैं कर लेती हूँ मुझे पता होता है पापा कुछ होगा तो हैंड ब्रेक खींचेंगे धरा दे तो बैठा था मैंने कैसे ड्राइव किया ठीक ठाक चैलेंज था मेरे साथ बैठ के मम्मी असली स्ट्रेस थी यहाँ पे कह रही है मैंने तभी नहीं चलाई है टी 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 करती रहती है बहुत मैंने चला और राघव तो कहता है मुझे मम्मी के साथ जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा मैं चलानी नहीं है बल्कि ही ड्राइव्स वेल आपने भी अच्छा ड्राइव करा थैंक यू सच सच बता मैं बहुत फोकस्ड ड्राइवर हूँ गाइस बस मैं डर जाती हूँ क्योंकि मेरे को इतनी आई एम अ बिट आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई एम अ वेरी फोकस्ड ड्राइवर नाउ वैले वाला वेट कर मेरा बैग दे दो लेट्स गो हमारी आज की वीडियो में बताती हूँ बाहर निकल के आने में चश्मे भी नहीं लाई बहुत लोग हैं यार तो मैं तो पुंगी बजेगी सो गाइस आज की वीडियो में ऐसा होने वाला है आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस बॉय एंड दिस बॉय इज गोइंग टू स्टाइल मी अंडर द सेम बजट वो हम बजट अभी डिसाइड करेंगे और लास्ट में हम घर जाके ये ट्राई करने वाले हैं मम्मी पापा हमारे डिसाइड करने वाले कौन बेटर किसने किया बहुत भीड़ है भाई बहुत भीड़ हो रहा है और एक कह रहा है कि आप तो मुझे पागल बना दोगे मैंने बोला क्यों भाई मुझे जीतना है मैं तो गधा ही बनाऊंगा मुझे आप पर भरोसा है मेरे को बनाने वाले तो तू ही हारेगा और जो जीतेगा उसको हार गया हार उसको जायदाद का हिस्सा उसको मिलेगा जो जीत और दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा जायदाद हमसे बड़ी पहले ही हो जाएगी पापा को बोलूंगी घर का उसके नाम करो जो आज का चैलेंज जीता संडे आई थिंक रॉन्ग डे टू पिक हो गया है राघव मुझसे मम्मी आपसे भी लंबा हो चुका है राघव कब से चल चल मिला के लंबा बजट 6,000 मैक्स कर सकता हूँ बिलिंग 19 साल का हो गया 6,000 है तेरे पास अच्छा ठीक है मी का ब्लॉग का ब्लॉग मम्मी और मेरा ब्लॉग मैं बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर ही इज नॉट छोटा बेटा अपना ब्लॉग खुद बनाएगा बड़े बेटे का असिस्टेंट है मेरे को 2 मिनट लगे समझने में ने बोला क्या है देखो गायब ही हो गया बेटा ये देखो घर के 2 बेटे हैं गाइस ना दो बेटे छोटा तो आप ही हो ना तू है छोटा लो पकड़ो इतनी देर लॉग नहीं होता मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई लो हेलो थीम इज लंच इधर हो वाइड एंगल में भटा हुआ आ रहा है थीम इज लंच आप बिल्कुल इसकी हेल्प नहीं करोगे आप सिर्फ इसका व्लॉगिंग में हेल्प करोगे और कुछ भी नहीं अगर आपने मुझे पता चला कि आपने इसकी सुमड़ी में हेल्प की है फिर आप देख लेना आपके भी आपके नाम से भी जायदाद हट जाएगी सिर्फ हम जो चीज सिर्फ मेरे नाम रह जाएगी ओके जाओ अब मैं भी जा रही हूँ बाय बाय सो आर यू रेडी को समझ नहीं आ रहा क्या लूँ मैं देख के वो हो गया हूँ कोई हेल्प नहीं कर सकते इसमें मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है टास्क है राजा के लिए अपनी बहन के लिए सिलेक्शन करना मैं आउट ऑफ बजट जाने वाला हूँ एक आइटम 5,000 का क्या हो हेलो भाई 6,000 तो बहुत कम बजट है ये और ये सिलेक्ट करा अभी तक तो। यही मुझे इन बजट मिला यहाँ तो मेरे से पूरे स्टोर में शॉपिंग इतनी अच्छी है नहीं लड़कियों की तो मुझे जो समझ आया कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने उठा लिया प्लीज़ में एक ये मुझे थोड़ा ठीक लगा जो नेक में पहनते हैं जो मैं समझ रहा हूँ ये कहीं और का भी हो सकता है कोई पेंट वूट पड़ा दूंगा बैग मेरे को पसंद आया क्योंकि थोड़ा मैच कर रहा है आउटफिट के साथ तो आई थिंक हमारा आउटफिट तो डन है राघव का मुझे जस्ट फोन आया बोलता है 6,000 तो बहुत कम बजट है 10,000 करो इसको यहाँ पे 6,000 की तो 5,000 तो एक चीज़ है ये पहनी है मुझे उसी में बॉयज में सिमिलर दिखी और ये ज़्यादा कूल है विद सो मेनी पॉकेट्स तो ये मुझे अच्छी लग रही है आई माइट जस्ट पिक दिस ये वाली मुझे अच्छी तो बहुत ज़्यादा लग रही है बट ये अकेले ही थोड़ी 6,000 की है गाइस मेरी और राघव दोनों की शॉपिंग डन हो चुकी है शॉपिंग में मम्मी ने किया राघव को हेल्प और मुझे किया किसी ने भी नहीं हेल्प और लड़कियों के लिए बहुत ईजियर होता है शॉपिंग करना तो मैं पहले से ही थोड़ा वो अफ्रेड एंड अभी राघव गया बिलिंग कराने अपने सामान की बट मेरे को भी थोड़ा बहुत सामान देना था क्योंकि मुझे कपड़े चाहिए लाइफ में अच्छा है ना ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कि आज सुबह ही मेरे पीरियड्स आ गए हैं तो मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन आज मेरा डिसाइड था ये वीडियो शूट करनी हुई कल भी डिले हो गया था तो मैंने सोचा अब इसकी वजह से वो नहीं करती अच्छी है नाम सो रहे हैं बैग में पेट में वर्स्ट फर्स्ट डे वर्स्ट होता है ये देखो ये बैग ये एकदम ऐसा जैसे पू के क्लोजेट से चुराया मैंने टेल मी हाउ इट वाज नहीं बेशक ले
थोड़ी ये हमारी शॉपिंग के बहाने मम्मी और मैंने और भी शॉपिंग कर लिया है। माँ को बहाना है ना, 4 घंटे के नौकरी खरीद दिए मेरे को और तो इसने ना मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पता क्या पूछा, अच्छा हम शॉपिंग वाला वीडियो में आ रहे हैं तो फिर वो कपड़े मेरे पास रहेंगे ना, इसने ऐसा बोला मुझे, तो खुश था ना उसी में। सो गाइस मैं तो स्टोर से तो बाहर निकल गई एंड मुझे राघव का घर से कॉल आया था कि ओवर बजट हो रहा है व्हाटएवर, तो मैंने भी ओवर बजट ले लिया क्योंकि मैंने देखा 3 कपड़ों में ही लड़कों के बहुत लोग हैं और सब ब्लॉग नहीं हो रहा है, बाहर ब्लॉग करना भूल गई। देन म्यूजिक था कपड़ों में ही 10-11 हज़ार का बुला गया भाई, मैं ना बैग ले पाई ना कुछ ले पाई, मुझे बैग चाहिए था स्पेशली। सडन मूड फॉर वॉच शॉपिंग, मैं भी ट्राई कर रही हूँ बट मेरे को आजकल रिसेंटली ना मम्मी अब जो है असली है यही होगा, फटफट खा पी के क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे था तो हमने यही से कॉफी उठाई है, थोड़ा सा पैटी उठाई है और उसके बाद हम जा रहे हैं घर दर रिवील करने। हो चुका है सब कुछ डन, पेट पूजा भी थोड़ी बहुत हो गई, अब हम भाग रहे हैं घर ताकि हम फाइनली ये सब पहन के एक्चुअल रिजल्ट्स पे आ पाए। मैंने अब तक देखा नहीं राघव ने क्या लिया है, राघव ने अब तक देखा नहीं मैंने क्या लिया है, बट हमें एक दूसरे का खर्चा पता चल चुका है। तेरा क्या था अमाउंट? 9,000 उसका खर्चा हुआ, मेरा 10,100 कुछ, तो थोड़ा फर्क तो है और हमने अपने बजट को बिल्कुल ब्रीच कर दिया जिसके लिए मैं बहुत सैड हूँ, बट इट्स ओके, कुछ है ही ना भाई लड़कों का ना महंगा बदतमीजों की तरह तो बात है। ये रीइंबर्स करो मुझे अपने आपके बेटे के लिए, रिवर्स करो बंदा वैले में देता है कि उसको कन्वीनियंट हो सब कुछ हो कि हाँ बढ़िया है अपने बाजे गाड़ी, और उन्होंने हमें सीधा बोल दिया 20 मिनट वेट करो गार्ड्स, तो फ़ायदा क्या हुआ 20 मिनट वेट करेंगे बैठ के, घर पे हो तो कैमरा से ब्लॉग कर सकते हैं, फोन जरूरत नहीं है, वहाँ तो फोन से भी इतना मुश्किल होता है भगवान में क्या बताऊँ। बट यस फाइनली वी आर एक्सचेंजिंग आवर आउटफिट्स एंड देन वी आर गोइंग टू गेट रेडी एंड चेंज इन टू दोज आउटफिट्स जो भी हमने पिक किए हैं। मैं इसको आई थिंक ही ऑल्सो एडजस्टेड अ बैग एंड एक्सेसरी भी बोल रहा है मैंने ले लिया क्योंकि गट्स है, क्योंकि मेरे को तो कपड़ा में ही पूरा बजट फुल हो गया, अब मैं सोच नहीं कर सकती गाइस प्लीज मेरे पॉइंट्स के नहीं कटने चाहिए, आई कांट हैव दैट एक्सचेंज क्योंकि लड़कों का भारी कपड़े हैं भाई, मेरे आपसे ज़्यादा सामान में हल्का बैग है, बट लड़कियों के इतना स्मॉल स्मॉल कपड़े होते हैं छोटे छोटे हल्के फुल्के। अब हम चेंज करके आएंगे एंड बीआरबी, थोड़ा बना दिया मेरे को आउटफिट स्कैम हो गया सब खुल भाई, जोकर बनाओगे चुप कर, जो मैं जोकर उससे नहीं उठाया था भाई, मैंने अलग कलर कितनी अच्छी जीन्स, जीन्स ही अच्छी है, ये जैकेट इतनी महंगी इतनी सब रिटर्न करने वाला हूं, कितना घटिया है ये, इतनी अच्छी है जैकेट भाई, लूज है मेरे को, लूज कैसे, मीडियम साइज है, मीडियम नहीं ना स्मॉल बोला मैंने आपको, स्मॉल मैंने बोला था, जब तू फिटेड पहनेगा तब स्मॉल, ओवर ठीक है अब जो भी है दिखाइए एक बार, ये तो मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को क्या अच्छा लगेगा, मैं जीत चुका हूं भाई ये चैलेंज, ओए इसको मेरी और टी-शर्ट पहन ले यहीं से अंदर से, अभी वही कह रहा हूं मैं। गाइस सो आई एम इन द वॉशरूम, आई एम चेंजिंग एंड व्हाइल आई वाज चेंजिंग आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, ओके आई एम सॉरी आवाज़ अभी थोड़ी एक हो रही होगी आवाज़, बट आई हैव रियलाइज वन थिंग दैट आई थिंक आई एम क्लियरली लूजिंग दिस चैलेंज बिकॉज भाई इतना बुरा लग रहा है मुझे खुद ही, आउटफिट इतना कितना लगा मैं खुद ही नहीं अच्छा लग रहा तो किसी और को भी अच्छा लगेगा ना भाई, ये सब भी आया भाई इसके उसमें कैसे, सब तो मेरे बजट में कभी फिट ना हो, मैं अपना नहीं उतार रही, उतारू अपना ये पीछे कर देती हूँ यार, पर लड़कियों को ड्रेस करना ज्यादा इजी है ना लड़कों से, इसके भी तो बेनिफिट है, मैं अपने आपको कवर करने के लिए अलग अलग चीजें बोलूंगी, बैग भी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई एम श्योर मम्मी ने इसकी रखी है, इसकी चॉइस नहीं हो सकती भाई, ये की ओह माय गॉड रॉनी, एक्चुअली गाइस मैं खुद ही समझ रही हूँ कि मैं बहुत हार रही हूँ, फाइनल जजमेंट टाइम, मुझे ऑलरेडी वैसे पता चल चुका है दोनों देख के, बट इट्स ओके मम्मी पापा आप दोनों, अभी हम गए थे मॉल, हम दोनों ने एक दूसरे के आउटफिट्स उठाए, इसको नहीं पता था मैंने क्या पिक किया, मैंने पता था मैंने क्या, इसने क्या पिक किया, तो दिस इज व्हाट वी बोथ हैव कम अप विद, तो आपको अब हम दोनों के आउटफिट्स रेट करने हैं, उसका जो पहना उसने ये तो फ्रेंडली नहीं हूं, और मैंने जो पहना वो मैंने, ये तो मैं जीत चुका हूं, जो तुम्हारी बहुत कॉमन है दोनों ने, तो मैं एक टोन पिक करा यार, हां मैं भी, अरे भाई कटा चला गया, सेम टोन पिक करा दोनों ने, मेरे को तो जीन्स तो अच्छी लगी सही में, बट
टी-शर्ट तो आपको कोई और लेनी चाहिए भाई। टी शर्ट बहुत आउट ऑफ बजट थी। टी शर्ट क्यों है 3,000 तो वहाँ पे 900 रुपए की भी होती है। पापा आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि राहुल ने ज्यादा अच्छा पिक किया या किसने ज्यादा अच्छा पिक किया। आपको बस मार्क्स देने हैं। वो मैंने अभी चेंज करा रूल, ये पहले नहीं था। पहले था कि किसने ज्यादा अच्छा पिक किया, और अभी आउटफिट देख के मेरे को बोलना है कि तुम लोगों को सिर्फ मार्क्स देने हैं। इन्होंने एक तो ये थोड़ा ज्यादा ओवरसाइज लिया है, ये मीडियम है यार, नहीं मतलब अच्छा लग रहा है बट वैसे। और टी शर्ट आपको थोड़ा व्हाइट अगर लेता तो बेटर रहता। बाकी जीन्स अच्छी है, जीन्स मेरे को भी अच्छी लगी। जीन्स तो बहुत अच्छी है, जीन्स मेरे को भी अच्छी लगी, फिट भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, बट मतलब अगर आप टी शर्ट अगर इस जगह व्हाइट भी ले लेते तो ये 2-3 नंबर ऊपर चला जाता आउटफिट। बट मेरे को ठीक लगा, अच्छा है। मैं इसको खुद 6 नंबर दूंगा 10 में से। आप 6 नंबर बहुत कम है। और उनके आउटफिट 10 दूंगा मैं। ली आउटफिट इज गुड, राघव ने सही कहा है कि टी शर्ट का थोड़ा सा टोन। हाँ, मुझे टी शर्ट अगर व्हाइट होती तो डल लग रही है आपको। तो नहीं, टी शर्ट कलर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपका आउटफिट तो परफेक्ट है। अरे नंबर दीजिए यार उनका आउटफिट तो परफेक्ट। वाह भाई, मम्मी आपने इसको हेल्प किया कि नहीं, सच बताओ। नहीं मैंने इसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करी, सीरियसली। और जो जो मैं बोल रही हूं, अरे खुली है वैसे मेरे को ये, वही है, ये स्मॉल साइज है। बट वहां पे एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं था, स्मॉल साइज है, इससे छोटा नहीं था। सो क्विक टू जस्ट पिक, उसका क्विक होने का रीजन कुछ और था। गर्लफ्रेंड और लकी होने वाली है, देख लो ऐसे शॉपिंग हो जाएगी, ऐसे शॉपिंग हो जाएगी। गाइस मुझसे पूछो उसने क्या जान खाई है, चलो चलो कितना शॉपिंग और करना है, तो मैं चलो चलो में गाड़ी में मेरे को बोला गया था फटाफट जाके बाहर आएंगे और ये दोनों अपनी शॉपिंग करने बैठ गए। तो फिर ना करें हम गर्ल्स, इसीलिए मैं गया नहीं। बस करो इसलिए गया नहीं। ये साथ में होता था, हम 1-1.5 घंटा और घूमते आराम से यार। अब रेट ही नहीं कर रहे, बातें करने लग गए हो। रेट आशिक यू तो लुकिंग सो गुड, दिस इज 8 का है, बड़े में 8 है। टी-शर्ट तो नहीं, ऐसा नहीं है। जींस जैकेट सब, जींस तो चलो मैं भी को अच्छी लगी। 9.5 ओके, 8.5 वो तो मेरी फब्बत की बात है। मेरे पे सूट इतना कर रहा है, मैं क्या करूं। और आप ही देखो उसने सब कुछ इतना सेम ऐसा लग रहा है, कस्टमाइज बनाया है। ये तुझे कम हैंडसम लगता है भाई? अभी देखो लड़के लग रहे हो आप, डिजाइन बस 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 नीचे नहीं, वापस वापस आ जाइए। ऐसे ऐसे करके कुछ उठा लिया। अच्छा चुप रहे, देखा प्रिंसेस ऑफ द हाउस को कुछ मत बोल दे। मेरे पे चढ़ जाओ दोनों। जप्पी भी देगी, काम तो आपने इच्छा किया है ना। अच्छा अभी मुझे पूरी मुझे भारी मात्रा से राघव जीता है इसमें, और भारी वोटों से राघव जीत गया है। मुझे अभी भी लगता है मम्मी ने हेल्प किया। नहीं मैंने भाई, आप ब्लॉग में देख लेना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ। पहले बस मैं आउटफिट मैंने पूरा देख लिया था, वो वीडियो में भी देखेगा। बस ये इनकी एक्सेसरी है, इसकी जगह मैं रिंग ले रहा था। तो मम्मी ने मुझे इतना बताया था कि आशी ये रिंग नहीं पसंद करेगी, तो फिर मैं ये इसलिए लिया। बस ये मम्मी ने, मैंने कुछ बोला नहीं आउटफिट में तो एक उसकी भी है। पापा ये जो शॉपिंग हमने आज की है प्लस हमारी पर्सनल शॉपिंग, उसके पैसे वापस हमें रीइंबर्स कर दीजिए आप। कैश दिया पर मैंने कार्ड से बहुत ज्यादा किया, तो आप मेरे को वापस कर दो सारे पैसे, क्योंकि अल्टीमेटली हमने किए अपने कपड़ों के, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, तो अब खर्चे किसके आए, आपके। तो आज की शॉपिंग आपके नाम। वैसे ना एक चैलेंज मेरे को भी करवा देते यार फिर। हाँ आप और पापा कर लो एक चैलेंज। आपसे पूछा था पापा बिजनेस छोड़ के यूट्यूब, ये दोनों मैं तो डीपी देख रहा हूँ यूट्यूब की लगी, ये दोनों बीच में बैन ही बैठा हूँ। चलो शुक्रिया गाइस, वो तो मेरी फब्बत इतनी है, मैं क्या करूं। बहाने आ गए बहाने। हाँ मतलब अच्छा चूज किया है, पर मेरी फब्बत मेरे को ऐसी वाली, ये वाली शर्ट्स आई लव, ये बहुत जैकेट है वैसे भी, चेंज ही होगी। ये बहुत अच्छा है, की टी-शर्ट और जीन्स लवली। टी-शर्ट वो देख लूंगा। बैक टू माय कैजुअल कपड़े। चलो अब जब खत्म हो गया, वैसे तो मैं सोचा था एंड में बोलूंगी गाइस ये तो था मम्मी पापा का जजमेंट, आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। बट मुझे पता तुम्हें भी वही अच्छा, यही वाला अच्छा लगा जो मैंने पहना, कि मुझे भी वही अच्छा लगा जो मैंने पहना। वैसे मैंने सोचा था वो वैसा आया नहीं। आई थिंक आई नीड बॉयज स्टाइलिंग लेसन्स,
आई एक्सेप्ट. कैमरा ऑन करते ही बहुत लाइट मूड में बात तो कर रही हूँ, बट अदरवाइज मैं इतनी क्रैंकी हुई हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे बहुत ज्यादा क्रैम्स हो रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रैम्स हो रहे हैं. बट एनीवे गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. अलविदा. न फिर मिलेंगे चलते चलते.